लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदीची चंद्रपूर इथं महाराष्ट्रातील पहिली सभा होती. या सभेत मोदी म्हणाले, इंडिया आघाडीतल्या नेत्यांनी जनादेशाचा अनादर करत राज्यातील सत्ता मिळवली. या लोकांनी घराण्याचा विकास केला. कोणाचा किती हिस्सा असेल, कुठले कंत्राट कुणाला मिळेल, मलाईदार खाते कुणाकडे असेल, या हिशोबाने त्यांनी कामं केले. महाराष्ट्रात विकासाचा कुठलाही प्रकल्प आला तर आधी कमिशनांना नाहीतर कामाला ब्रेक लावू असं धोरण अवलंबला असा आरोप त्यांनी केला. त्याशिवाय जेव्हा राज्यात नवीन एअरपोर्ट बनवण्याचा विषय आला तेव्हा इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आधी कमिशन मागितलं, जलयुक्त शिवार योजना बंद केली, विदर्भातील विकासासाठी समृद्धी महामार्गाचं लोकार्पण मी केले त्याचाही विरोध या लोकांनी केला होता, मुंबई मेट्रो कोकणातील रिफायनरी रोखली, पंतप्रधान आवास योजनेचे पैसे पाठवले तरी कमिशनसाठी गोरगरिबांना घरे देण्यापासून रोखले, आमचं सरकार येताच आम्ही सर्व योजनांना पुन्हा गती दिली, रात्रदिवस हे सरकार काम करतंय, हेतू स्वच्छ असला की निकालही चांगला असतो असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं. माता महाकालीच्या पावन भूमीत शक्तीला नमन करतो. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. चंद्रपूरकरांना माझा नमस्कार. देश में गर्मी का पारा बढ़ रहा है और सियासी पारा भी चढ़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके उत्साह में, आपके जोश में और आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है. इस बार चंद्रपुर ने भी मन बना लिया है, फिर एक बार और चंद्रपुर से इतना सारा स्नेह मिलना मेरे लिए और भी विशेष है. ये चंद्रपुरी ही है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी. नए भारत की प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही लकड़ी लगी हुई है. चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है. मैं चंद्रपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. कल से नववर्ष और नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है. सभी देशवासियों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं. समस्त बंधु भगिनींना गुढी पाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है. एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो. दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ.